हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अडमायर ब्यूटी। और मैं हूं अंजलि। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। बहुत लोगों की डिमांड थी और फाइनली जाकर मैंने एक क्रीम बनाई आप लोगों के लिए जो कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट देने वाली है, वो भी एक वीक के अंदर। फ्रेंड्स, इस क्रीम को बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इस क्रीम को बना लोगे तो नेक्स्ट डे से ही आप चेंजेस महसूस करने लग जाओगे, क्योंकि रात को जब आप अप्लाई करेंगे, मॉर्निंग में फेस वॉश करोगे, मिरर में जाके देखिएगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि कल आपकी स्किन क्या थी और आज क्या है। धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट बनाती है और आपके जो भी दाग धब्बे होंगे फेस पर, ब्लेमिशेज होंगे और स्कार्स होंगे, उनको भी लाइट करने में बहुत हेल्प करेगी अगर आप इसे रेगुलर यूज करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसी क्रीम ये बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली जो क्रीम्स होती हैं वैसा इसका कलर आ रहा है। कलर हमने कोई मिलाया नहीं है इसके अंदर, एक ऐसी चीज़, नेचुरल चीज़ मिलाई है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उससे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है आपके फेस पर। फ्रेंड्स, तो ब्राइटनेस के लिए एकदम परफेक्ट क्रीम है ये। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को बनाने के लिए हमने पानी उबाल लिया है थोड़ा सा और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये 4 से 5 बादाम। हमें बादाम का छिलका निकालना है फ्रेंड्स, तो उबलते हुए पानी में हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बादाम का जो छिलका है वो जल्दी निकल आए। तो बस 5 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। 5 मिनट बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे ठंडा कर लिया। तो ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो छिलके का कलर है वो भी पानी के अंदर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन बादामों को छील लेंगे और बहुत ही आसानी से ये बादाम छिल भी जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे ही इनका छिलका उतरेगा तो सारे ये जो जितने बादाम लिए हैं हमने, इन्हें छीन लेंगे। फ्रेंड्स, जो छिलके बचे हैं उनको आप फेंक दीजिएगा, पानी फेंक दीजिएगा, और ये बादाम बचे हैं हमारे छिले हुए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिल लिया है, जो सिल बट्टा वाला सिल होता है ना, वो लिया है। तो दो ऑप्शन है, या तो इनको आप इस तरीके से घिस दीजिए, घिसने से एकदम मतलब बिल्कुल भी इसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो नहीं बचेंगे, बिल्कुल प्योर क्रीमें निकलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे करने में और पेशेंस नहीं है, तो फिर आपको सेकेंड स्टेप में बताती हूँ। दूसरा जो तरीका है उसमें आपको सारे बादाम इस तरीके से एक साथ रख देने हैं और जो सिल्क के साथ बट्टा होता है ना, जिससे चटनी वगैरह पीसते हैं, इसके अंदर एकदम आपको पीस देना है इसे। अगर आपके पास ओखली है जिसमें कि अदरक और इलायची वगैरह कूटते हैं, उसके अंदर भी आप इन्हें बिल्कुल बारीक कूट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो मैश करने के बाद अच्छे से ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब हम इसे अपनी क्रीम में यूज़ करेंगे। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है कांच का। तो अभी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ये रोज़ वाटर। लगभग 1 से 2 चम्मच ही लेना है आपको रोज़ वाटर, बहुत ज़्यादा ना लें वरना जो क्रीम है वो पतली हो जाएगी। अभी हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं केसर। फ्रेंड्स, ये प्योर केसर है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़े से केसर के पेटल्स हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, जो लोग केसर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, आप लोग ले सकते हैं हल्दी, कसूरी हल्दी आप लीजिए, उससे आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट मिलेगा। केसर हमें इस रोज़ वाटर के अंदर सोक करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गल जाए। और फ्रेंड्स, गलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, येलो कलर आ जाएगा रोज़ वाटर में। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वो जो हमने बादाम पीस कर रखे हैं। तो 1 चम्मच करीब ये बादाम का पेस्ट बना है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे ग्लिसरीन की। तो 5 से 7 ड्रॉप्स ग्लिसरीन लिया है मैंने और लिया है बादाम रोगन। तो ये जो बादाम ऑयल होता है, इसके अंदर विटामिन ई भरपूर होता है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं एलोवेरा जेल। आप चाहें तो प्लांट का एलोवेरा जेल मिलाइएगा, और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल इसमें मिलाएंगे। और अभी हम मिला रहे हैं विटामिन ए कैप्सूल। विटामिन ए कैप्सूल इसके अंदर ऐड करने से जो आपकी स्किन है उसकी न्यू सेल्स फॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे कि गोरापन और जो स्किन होती है जवान दिखती है, उसी वजह से दिखती है। तो फ्रेंड्स, हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स फटाफट से मिक्स कर देंगे और आप देखिएगा कैसी कंसिस्टेंसी और कैसा कलर इसका आ गया है। बस 1 मिनट के अंदर ये क्रीम कुछ इस तरीके की बन जाती है। और केसर के पेटल जो इसमें दिख रहे हैं वो दिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रीम आपकी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे, इसकी जगह आप कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं, और इसके अंदर ये क्रीम फिल कर देंगे। फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गई है हमारी स्किन वाइटनिंग क्रीम, और ये एक नाइट क्रीम है तो रात में आपको इस्तेमाल करनी है। रात को अपने हाथ को या फिर फेस को अच्छे से वॉश करके आप इस तरीके से इसे मसाज करें। ये जो क्रीम है पूरी तरीके से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जानी चाहिए, तभी इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, आपको 30 सेकेंड के लिए मसाज करना है, 30 to 40 सेकेंड में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में। और आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है मेरा हाथ अभी। इसे लगा लेने के बाद जब मॉर्निंग में आप उठेंगे तो उठने के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। पानी चाहे तो आप नॉर्मल ले सकते हैं या कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन विंटर्स हैं तो अभी आप नॉर्मल या हल्का सा गर्म हो पानी उसे धो लीजिएगा। और स्किन को आपकी ये बहुत ही अच्छा सा निखार देगा, ग्लोइंग स्किन बनाएगा, न्यू सेल जनरेट होंगी आपकी स्किन की, जिसकी वजह से और यंग दिखेगी आपकी स्किन और ब्राइट करने में भी बहुत हेल्प करेगी ये क्रीम। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने फेस के दाग धब्बों से, कालापन है फेस पर, या फिर चाहते हैं कि ब्राइट कॉम्प्लेक्शन हो जाए थोड़ा सा, तो उन लोगों के लिए तो ये परफेक्ट रहेगी क्रीम। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, ऐसे मेरे कहने से आपको रिजल्ट 1 वीक के अंदर दिखाई दे जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये क्रीम आपको पसंद आए। आप लोग जब भी अप्लाई करें रिजल्ट मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को पता है मैं कमेंट्स अपने स्टेटस में ज़रूर लगाती हूँ ताकि और लोगों को भी ट्रस्ट हो, तो ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।